भाई आज हम करेंगे ज़ारा एक्सप्लोर दुबई का सुबह का और मम्मी ने कॉफी पी थी। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और अभी हम उठे हैं आज और आज हमें जाना है बुर्ज खलीफा देखने और दो तीन काम और है तो हम दुबई मॉल भी जाएंगे और बुर्ज खलीफा देखने जाना है। हमारी 3:30 की बुकिंग है, हमने रात को ही बुकिंग कराई थी। फिलहाल अभी आप यहाँ से व्यू देखो, ये कुछ व्यू है सुबह का, देख सकते हैं कितना क्रेजी व्यू है। ये एक हमारी विंडो है और यहाँ से दूसरी विंडो है, मेरे ख्याल से वहां से ज्यादा बेटर व्यू है, कुछ ऐसा व्यू है तो बहुत सही लग रहा है। रात को तो बहुत ही अलग लग रहा था। मम्मी मेरे लिए चाय बना रही है, ऐसे कुछ यहाँ की चाय। ये हमारा किचन वाला एरिया था और लाइट ऑन कर दें यहाँ से। ये मम्मी चाय बना रही, मम्मी ने पी ली थी चाय और मम्मी ने कॉफी पी थी। यहाँ पे कुछ हमें ऐसे पाउचेस वगैरह मिले थे। ये क्या है, ये चीनी है ना, चीनी है। ये कॉफ़ी वगैरह मिली थी हमें, ये चाय वगैरह मिली थी। यहाँ पे हम गरम गरम चाय पी रहे हैं अभी, उसके बाद हम नहाने जाएंगे और फिर आज के दिन की शुरुआत करेंगे। और आज के दिन का आपको मैं आउटफिट भी दिखाने वाला हूँ। अभी हमें ब्रेकफास्ट करने भी जाना है तो मैं कोशिश करूँगा ब्रेकफास्ट एरिया वाला भी चीज़ कवर करूँ, आप लोगों को दिखाऊँगी क्या खाने में क्या क्या है और कैसा खाना है। तो बहुत सही है यार, मतलब अलग सी सिटी है, बहुत ज़्यादा रात को अच्छी नींद आई काफ़ी, ऐसा नहीं है। और बेड्स भी काफ़ी कंफर्टेबल है, ऐसा नहीं है कि बेड्स कंफर्टेबल नहीं है, रात को काफ़ी सही नींद आई, काफ़ी सही लगा। तो आज मज़ा आने वाला है, आज बुर्ज खलीफा जाएंगे। हम बहुत टाइम सोच रहे थे बुर्ज खलीफा बात करते हैं, आपने सुना होगा भी बहुत बार, और मम्मी को भी जाना था दुबई तो हमने सोचा क्यों ना वहाँ जाया जाए। आज हम उसके टॉप फ्लोर पर जाएंगे तो वहाँ का भी ब्लॉग आया पक्का। बाकी फिर से व्यू एंजॉय कर लो। बिल्डिंग देखो कितनी बड़ी बड़ी है, खत्म ही नहीं हो रही भाई बिल्डिंग। तो भाई हम ब्रेकफास्ट करने गए थे, ब्रेकफास्ट हमने लिया नहीं था वहाँ पे, हमें पता चला और काफ़ी ज़रा कॉस्टली ब्रेकफास्ट था। 67 दिरहम का एक बंदे का दिरहम ब्रेकफास्ट था और हमें वर्थ इट नहीं लगा। मैंने पूछा वहाँ पे क्या क्या है खाने के लिए, तो उसने मेरे को बोला कि वहाँ पे क्या है, उपमा है और टमाटो है, ऐसे कुछ और वेजिटेरियन और कुछ ना, वेजिटेरियन है तो नॉन वेज ही नॉन वेज था, वेजिटेरियन कुछ भी नहीं था। तो यहाँ पे एक एप्लीकेशन है करीम्स, मैंने वहाँ से ऑर्डर किया और यहाँ पे हमारा कुछ खाना आ चुका है। तो आप कर सकते हो, कभी भी ऑर्डर पे करते हो, आप होटल में हो तो मैं रिकमेंड करूँगा बाहर से ऑर्डर कर लो, 30-40 मिनट में डिलीवरी हो जाती है। आपको व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर लेता है डिलीवरी पार्टनर, मतलब यहाँ का नंबर होना भी ज़रूरी नहीं है, व्हाट्सएप चलना चाहिए आपका। और यस, हमने मंगवाया है कुछ, सही देखा ये क्या क्या है, सांबर, क्या क्या मंगवाया था भूल ही गया मैं तो, बहुत और पराठा खोलिया था, पोहा ना पी गए तो सही है, खा लेंगे, स्पून है उसमें, मुझे सांबर है तो सांबर ही है। ये मिल्क शेक तो एंड में खोल लेंगे, सांबर के साथ, इसके साथ भेजा है मैंने, पोहे के साथ जा तक समझ रही हूँ, पराठे के साथ पूरी चटनी। और जो आपका ये मीटर है टैक्सी का, ये 5 दिरहम से शुरू होता है, मतलब जैसे अभी 8.5 दिरहम हो चुके हैं, इंटू 22 कर लो इतना दिरहम चल रहा है। तो जहाँ भी जाओगे उनका बेस प्राइस 5 दिरहम है, उसके ऊपर से आपका पैसा चार्ज होता है। तो ऐसा कुछ इधर है, विच कार इज इट, कार टैक्सी, नो नो, विच कार, विच ब्रांड, इट्स ह्युंडई, ओके, ह्युंडई है, ह्युंडई, विच वन, 2021 एलंट्रा, सोनाटा, ओके, सोनाटा, देखो 3 weeks I would take this one. Okay. So it cost how much? Actually, you are working for someone. We already working. We don't know price of this. Okay. Of this company. So from which country are you? Ethiopia. 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 So Ethiopia is good to travel. Yeah, it is good, but politics is problem. Right. Okay. Then use the left 3 lanes to keep.
भाई आज हम करेंगे ज़ारा एक्सप्लोर दुबई का, ठीक है। ऐसा कुछ एंट्री है, पहले रैक से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आपको मिल रही है वाइट शर्ट, वाइट शर्ट पर शैकेट आप देख सकते हो। ये आपको पड़ रही है 369 दिरहम, मतलब कि 6,500-7,000 की ये शैकेट पड़ रही है आपको ये वाली। नेक्स्ट हम मूव करते हैं तो हमें मिलती है एक टी शर्ट, ये वाली शर्ट सॉरी, और ये इसका प्राइस है 199 दिरहम। ये काफ़ी अच्छी लग रही है, सो यू कैन डेफिनेटली बाय दिस वन। मैंने यही उठाई थी सेम, ठीक है। नेक्स्ट अब अगर हम यहाँ पे जीन्स की बात करें, ये प्लीटेड प्लांट्स हैं, तो ये आपको यहाँ पे पड़ रही है 299 दिरहम, दैट कम्स अराउंड 4.5K। ये कुछ टी शर्ट्स हैं एंड दीज आर दी शर्ट्स। ये शर्ट काफ़ी सही लग रही है तो इसको हम ट्राई कर सकते हैं। मम्मी ऐसी देखो सेम ब्लैक शर्ट अच्छी लग रही है ना भाई। ऐसी कुछ कलेक्शन है यहाँ पे, तो बहुत बड़ा ज़ारा है यहाँ का, और ऐसे कुछ हम लग रहे हैं। सेम शर्ट है ना ऐसी, यहाँ ये वेस्ट बहुत पहनते हैं ये, और फिर ये हाँ 99 दिरहम की आपको ये वेस्ट मिल रही है। और ये कितने की मिल रही है शर्ट देखना एक बार, ये मिल रही है 199 दिरहम की, मतलब कि 2400 के अराउंड। तो यहाँ पे कुछ सूट्स भी हैं आपके, आप सूट्स ले सकते हैं, सूट्स आप ट्राई कर सकते हैं। ये जो शैकेट है ये मेरे पकड़ना 4,000 की, हाँ 4,000 के अराउंड हो गया। तो काफ़ी बड़ा जार है, अब हम देखते हैं शॉर्टलिस्ट करते हैं, अंदर जाके आपको ट्राई करके दिखाएंगे। पहले आपको शूज़ दिखा दूँ, यहाँ पे कुछ ऐसे वाइट स्नीकर्स हैं। यहाँ पे वाइट स्नीकर्स कितने के मिल रहे हैं हमें, यहाँ पे मिल रहे हैं 269 के, 269 मतलब हो गए 4,500। इंडिया में आपको ये स्नीकर 3,500 के मिल जाते हैं, अलग अलग डिफरेंस। अगर हम लोफर्स की बात करें तो लोफर्स गेटिंग इट फॉर 369 दिरहम, मतलब कि 6,500-7,000। इंडिया में आपको ऑलमोस्ट सेम मिलता है, 4,500-5,000 के अराउंड मिलता है। तो दीज आर टी शर्ट्स यू आर गेटिंग, ये मिल रही है आपको सारी 149 दिरहम की। यहाँ पे जैसे प्लेन कलर्स हैं, तो 149 दिरहम कितना हो गया हमारा, 3,000 की आपको प्लेन टी शर्ट्स मिल रही हैं। बाकी हमें ये शर्ट्स पसंद आई, हमें डेफिनेटली ट्राई करेंगे, दोनों शर्ट्स काफ़ी कूल लग रही हैं। प्लस हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको और शूज़ मिलते हैं, कुछ फॉर्मल्स। फॉर्मल शूज़ की प्राइस हम चेक करें तो ये मिलता है 499 दिरहम, दैट कम्स अराउंड 10,000 रुपीज़। और लॉट मोर थिंग्स, यहाँ पे आपको प्लेन शर्ट्स मिल रही हैं 2,500-3,000 में, 179 दिरहम जैसे मैं आपको बताया। और हाँ, मेरे को चीज़ बहुत सही लगी थी, ये फुल हाई नेक हाफ टी शर्ट्स, ये इंडिया में नहीं मिलती है भाई, बहुत कम उनको चांसेस मिलता है कि ऐसी टी शर्ट मिली हो। और इसका मटेरियल भी काफ़ी कूल है, देख सकते हो। मैं ट्राई करूँ इसका थोड़ा डिफरेंट कलर ट्राई करते हैं, ट्राई दिस वन ये पकड़ना। और ये कुछ ट्राउजर्स मिल रही है आपको, पैंट्स मिल रही है 179 दिरहम की, मतलब कि 2,500-3,000 के रेंज में आपको ट्राउजर मिल रहा है। तो ज़ारा का इतना ही प्राइस मिलता है, मोस्ट प्रोबेबली ज़ारा नहीं मिलता। और क्या देख सकते हैं हम, यस सिंगस, ये भी अच्छा लग रहा है, ये भी बहुत कूल लग रहे हैं, है ना। ये क्या है, ये स्वेट शर्ट्स हैं क्या गाइस, स्वेट शर्ट है 200 दिरहम, दैट कम्स अराउंड 4,200। ये काफ़ी सही लग रही है, ये भी हम एक ट्राई करेंगे, 4,000 के अराउंड पड़ेगी। हाँ कुछ शॉर्ट्स मिल, अगर आपको शॉर्ट्स बाय करना है, शॉर्ट्स का प्राइस चेक करते हैं, चलो कितना होगा शॉर्ट्स का प्राइस। ये पड़ रहे हैं 179 दिरहम के, 179 दिरहम कम्स अराउंड 2,500-2,700 के अराउंड पड़ रहा है आपको। कुछ ऐसी प्लेन टी शर्ट्स की बात करें तो ये आपको पड़ रही हैं, ये पड़ रही हैं आपको 199 दिरहम, मतलब ये 4,000 की शर्ट मिल रही है वाइट। और ये कुछ यहाँ पे कुछ डिफरेंट सी जैकेट्स मिल रही है, ये आपको पड़ेंगे ऑलमोस्ट 8,000-9,000 के रेंज के, इट्स अ वेरी डिफरेंट पीस, तो आप ले सकते हैं यहाँ से। बाकी हम और कलेक्शन चेक करते हैं यहाँ पर, और कुछ डिफरेंट मेरे को यही लगा इंडिया के साथ। ये तो मिलती है इंडिया में, जैसे पोचा कपड़ा, पोचा नहीं मिलते सिमिलर टू दैट। इसके प्राइस की बात करें तो मिल रही है 199 दिरहम, तो ये आपको 4,500-4,600 के अराउंड मिलती है।
जैकेट काफ़ी अच्छी लग रही है। जैकेट की प्राइस की बात करें तो ये भी 429 दिरहम की है, वो भी 9,500 की जैकेट, ज़ारा में इतना ही प्राइस मिलता है। ठीक है, हमने कुछ सिलेक्ट करी चीज़ें, हम ट्राई करेंगे मे बी इसमें से कुछ बाय करें। आगे आ जाओ, यहाँ पे कुछ डेनिम शर्ट्स भी हैं। डेनिम शर्ट्स का प्राइस चेक करें हम तो ये आपको पड़ती हैं 179 दे रहा हूँ, नॉट कम टू अराउंड 2300। ये कुछ जीन्स हैं, जीन्स के प्राइस भी आपको 179 दे रहा हूँ। मतलब सारी चीज़ें 3000 की रेंज में आपको इजीली मिल जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत डिफरेंट लग रहा है, ये काफ़ी डिफरेंट लग रहा है इसके प्राइस चेक करें तो ये पड़ रही है 299 दे रहा हूँ, मतलब कि 6,500। यहाँ पे कुछ जैसे शूज़ हैं, शूज़ का प्राइस भी चेक कर ही लेते हैं एक बार, इन शूज़ का करते हैं, काफ़ी डिफरेंट लग रहे हैं। ये मिल रही है आपको 369 दिरहम, मतलब कि 7,000 तक, 7,500 तक मिल रहा है। ठीक है, एंड रिगार्डिंग दी जीन्स एट 199 दिरहम, सारी जीन्स अभी आपका स्किन ही है, मोस्टली स्किन ही है यहाँ पे। एंड दिस बैग इज़ रियली कूल, बैग भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छी कलेक्शन है, डिफरेंट कलेक्शन है। इस बैग के प्राइस की हम चेक करें तो ये पड़ रही है 179 दिरहम, हर चीज़ ऑलमोस्ट 179 दिरहम के अराउंड 3,500 की। तो स्किनी फिट है, ये शर्ट अच्छी लग रही है, द शर्ट इज़ फॉर 189 दिरहम। तो मैं आपको कुछ एक आइडिया दे रहा हूँ कलेक्शन का, क्या प्राइसिंग रेंज है यहाँ पे और क्या डिफरेंट है। ये कहता है डेनिम जैकेट्स और जितनी भी यहाँ पे जैकेट्स हैं इसी रेंज की मिलती हैं, अराउंड 5,500-6,000 की रेंज में मिल जाते हैं। यूजुअली थोड़ी सी कलेक्शन यहाँ पे प्रीमियम है और थोड़ी सी लग्जरी है, इस वजह से थोड़े से प्राइस ऊपर है। शॉर्ट्स की बात करें, शॉर्ट्स आपको 199 दिरहम में मिल रहे हैं। तो ऐसी कुछ कलेक्शन है, और कुछ कलेक्शन दिखाते हैं। वहाँ पे विमेंस का सेक्शन है और यहाँ पे कुछ ऐसी प्लेन टी शर्ट्स हैं, ये टी शर्ट्स आप देख सकते हो, ये भी आपको 149 दिरहम में मिल रहे हैं, 3,000 तक की रेंज में। ये कुछ डेनिम जैकेट्स हैं, ये काफ़ी कूल कलेक्शन लगी मेरे को, बेसबॉल वाली, मुझे इंडिया में नहीं देखी ये वाली कलेक्शन। इसका प्राइस अगर हम चेक करें तो सिर्फ शर्ट का प्राइस है 189 दिरहम, है ना, तो एट कम्स अराउंड 4,500-5,000, इसी रेंज में आपको सारी चीज़ें मिलती हैं। ये शूज़ भी हमने देखे हैं इंडिया में, और इसका प्राइस चेक करें तो 299 दिरहम, मतलब कि 6,500 वो ही मिल रहा है आपको रेंज वाली। कुछ आपको सारी स्लीपर्स मिलती है 99 दिरहम में, दैट कम्स अराउंड 2,200 रुपीज़। ठीक है, और यहाँ पे भी कुछ कलेक्शन है, और यहाँ पे मेरे को लग रहा है मोनोक्रोम कलेक्शन है, ये सारी मोनोक्रोम कलेक्शन है, देख सकते हो ये डिफरेंट है, 429 दिरहम्स। ये टी शर्ट देख सकते हैं, ये भी आपको 300 दिरहम की मिल रही है, कॉस्टली है। एंड ये कुछ स्नीकर्स हैं, ठीक है, स्नीकर्स की प्राइस की बात करें तो ये आपको पड़ रहे हैं 269 दिरहम, ये स्नीकर्स अच्छे लग रहे हैं, ये आपको पड़ रहे हैं 299 दिरहम। हाँ, ये शर्ट अच्छी लग रही है, ये शर्ट की ये 269 दिरहम की है। मेरे को भाई समझ नहीं आ रहा मैं क्या लूँ, मैं ऑलरेडी शॉपिंग कर चुका हूँ काफ़ी ज़्यादा, मैं दूसरे ब्रांड से करी थी, और आजकल ये भी काफ़ी ट्रेंड में चल रही है मम्मी, ये अच्छी लगती है। ये आपको पड़ जाएंगी 179 दिरहम, मोस्टली सारी चीज़ें 179 दिरहम की रेंज में ऑलमोस्ट है, मतलब कि 3,500 की रेंज में आपको मिनिमम मिलेगा यहाँ पे। तो ज़रा ऑलरेडी बहुत ज़रा ओवर प्राइस है मैं तो जानता हूँ, बट ठीक है, कलेक्शन इज़ वेरी गुड। तो यहाँ पे आपको टी शर्ट्स मिल रही है 129 दिरहम की, ये सारी प्लेन टी शर्ट्स मिल रही है 129 दिरहम, कितना हो गया 2600 की आपको टी शर्ट्स मिल रही है, हाफ फिट इतना ही मिलता है ज़ारा में मेरे ख्याल से, इससे कम तो मिलेगा भी नहीं। तो ये मैं ट्राई करूँ फिर थोड़ी बहुत, और कुछ ये भी कर लेता हूँ एक। तो भाई ऐसा कुछ इनका ट्रायल रूम है, पहली हमारी शर्ट है, मैं वो चीज़ें दिखा रहा हूँ जो मैं लेने वाला हूँ। प्राइस की बात करें, गेटिंग इट फॉर 269 दिरहम, मतलब कि काफ़ी कॉस्टली है, 5,500-6,000 की है, बट ठीक है, मेरे को काफ़ी सही लग रही है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट हमारी ब्लैक शर्ट, ब्लैक शर्ट हमेशा वर्सटाइल लगती है, आप देख सकते हो, सब कपड़ा थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा मटेरियल नेट कपड़ा है,
This is looking really cool. It's only for 199 dirham. Yeah, I'm definitely buying it. Because easily, हर चीज़ का pair up जाती है. बहुत ही amazing outfit लग रहा है. Also looking very good. Plain white है, black वाली थी, ऐसे white है हमारी वाली. ये आपको पड़ रही है 199 दिरहम की. ये भी काफी सही लग रही है. Really really cool. कौन सा इशू जरूर बताना, बेस्ट शर्ट कौन सी लगी. ये तो मैं बाय करने वाला हूँ 199 दिरहम की है, मतलब कि 3,500 की. काफ़ी अच्छा फिट है इसका, काफ़ी कंफर्टेबल है. ये आपको पड़ रही है 199 दिरहम की. काइंड ऑफ स्वेटर है, सही लग रहा है, देख सकते हो फिटिंग काफ़ी अच्छी है. मैंने इसमें एम साइज बाय करा है, सब 199 दिरहम. तो ये तो मैं डेफिनेटली बाय करने वाला हूँ.